तो यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये आ जाता है रामबन 4 लेन में जो ब्लैक टॉपिंग हो रही है, इसकी वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगे जाके। साथ ही में आप सभी को बता, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है तो उसकी भी तैयारियाँ चल रही है। बाकी ये देख सकते हैं, अभी जो रोड है रामबन को लेफ्ट साइड से ना, ये फ्लाईओवर जा रहा है, तो जिस रोड से अभी हम जा रहे हैं बहुत ही जल्दी स्किप होने वाला है। जैसे ही फ्लाईओवर ओपन हो जाएगा, बहुत ही जल्दी नहीं, अभी काफ़ी लोगों को लग रहा है कि अमरनाथ यात्रा तक फ्लाईओवर तैयार हो जाएगा, ओपन हो जाएगी, 4 में से 2 लेन फ्लाईओवर की ओपन हो जाएगी। बट मेरे को तो नहीं लगता है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा काम बाकी है फ्लाईओवर पे। हाँ, गर्डर्स वगैरह रख दिए हैं, अभी स्लैब पड़ना बाकी, वो जो सरिया वगैरह बांधते हैं उसमें काफ़ी दिन लग जाते हैं, मंथ्स लग जाते हैं, तो इस चीज़ में अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा। बाकी रोड की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है, तो ये देख सकते हैं कितनी बुरी हालत है, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं। और ये देख सकते हैं, ये जो मैं फ्लाईओवर था, इसकी कुछ ही देर में फिर से आगे दिखाएंगे। तो बाकी आगे चलते हैं, रोड की हालत आपके सामने ही है। तो जो वो फ्लाईओवर निकलेगा ना, कैफेटेरिया से सीधा यहाँ पे निकलने वाला है, इस जगह पे निकलने वाला है, तो यहीं से आगे अब रोड का काम चल रहा है। 1 लेन ये आगे और 1 लेन ये ऊपर वाली आगे, जहाँ पे अभी कटिंग हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे रोड वाइड भी हो कर दी गई है काफ़ी अच्छी खासी, और यहाँ पे अभी कटिंग वगैरह भी ही हुई है कुछ दिन पहले। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाले एरिया में ब्लैक टॉपिंग होना बाकी है, ये देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो यात्रा जो है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है शायद से, और 31 अगस्त, मतलब 31 अगस्त तक चलेगी वो। तो ये देख सकते हैं, यहाँ से आगे कटिंग से आगे यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हो चुकी है, अभी ही हुई है, अभी चल ही रही है ब्लैक टॉपिंग का काम, यहाँ देख सकते हैं। बट मेरे को समझ नहीं आई, ऊपर वाले रोड में ब्लैक टॉपिंग कर रहे हैं अब भी, मेरे को लगता है ये कुछ लगभग 1 किलोमीटर तक करेंगे उसके आगे, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा कटिंग वगैरह का काम बाकी है ऊपर वाले रोड पे। बाकी शायद से जब ऊपर वाले रोड पे ब्लैक टॉपिंग हो जाएगी ना, उसके बाद थोड़े दिन के लिए ना ऊपर वाला रोड खोल देंगे विक मतलब ट्रैफिक के लिए, और फिर नीचे वाले रोड पे जिस पे अभी हम चल रहे हैं, जिस पे काफ़ी ज़्यादा खड्डे हैं, बड़े बड़े खड्डे हैं, उस पे फिर ब्लैक टॉपिंग करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर वाला रोड लगभग 1 किलोमीटर तक तैयार है, मैं आपको वीडियो में साथ साथ दिखाते रहूँगा। थोड़ा हम आगे तक चलते हैं, फिर वापस आते भी इसी रोड पे वापस आएंगे और वो सब कवर करेंगे। तो ये देख सकते हैं ऊपर वाला रोड, यहाँ पे कटिंग वगैरह हो गई है, बस एक बार जब ऊपर वाले रोड पे आगे तक ब्लैक टॉपिंग हो जाएगी ना, तो फिर ऊपर वाला रोड भी खोल देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये गार्डर्स वगैरह रेडी करके रखे गए हैं, यहाँ आगे भी ब्रिजेस बन रहे हैं, तो यहाँ से लिफ्ट करके मतलब सीधा ही उन पे चढ़ा देते हैं फाउंडेशंस पे। तो ये देख सकते हैं ऊपर वाला एरिया है, इस पे अभी ब्लैक टॉपिंग होना बाकी है। अब देख सकते हैं ये ऊपर वाले रोड पे अभी कटिंग का काम, मतलब काफ़ी ज़्यादा काम बाकी है अभी, ये देख सकते हैं। तो बहुत बुरी हालत है रोड की, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी गाड़ियाँ नीचे रोड से चलती हैं, ऊपर वाला रोड यहीं कुछ मीटर्स तक है, उसके बाद यहाँ पे मतलब आगे स्लाइड वाला है, अभी आगे कटिंग होना, मतलब काफ़ी ज़्यादा काम बाकी है इस वाले एरियाज़ में। तो नीचे वाले रोड की हालत भी बहुत ज़्यादा बुरी है, साथ में ऊपर वाला तो रोड अभी तैयार ही नहीं हुआ है, बस वही जो मैंने कहा था किलोमीटर तक तैयार है, बस वही किलोमीटर तक ऊपर आपको तैयार देखने को मिलेगा। बाकी नीचे वाला रोड ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है, ये देख सकते हैं। और वहाँ पे साइड पे देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। और यात्रा के बारे में आप ज़्यादा डिटेल्स अमरनाथ यात्रा की साइड पे भी देख सकते हैं, साथ में आपको आपको सामने ब्रिज देखने को मिलेगा। तो बट इस ब्रिजेस पे भी काफ़ी ज़्यादा काम होना बाकी है, इस पर भी ये अभी अमरनाथ यात्रा तक तो स्टार्ट नहीं रहने वाला है, इसमें भी काफ़ी मंथ्स लगेंगे। ये जो पिलर ये फाउंडेशन देख रहे हैं ना, काफ़ी महीने पहले का ही, ऐसे ही कितने मंथ्स हो गए, ऐसा का ऐसा ही है, इस पर कोई गार्डर्स नहीं पड़े हैं, कोई बाकी कुछ काम नहीं हुआ है, खाली फाउंडेशन से, क्योंकि ऊपर वाले रोड पे देखो ना, वो ब्रिजेस के बाद कुछ काम ही नहीं हुआ है ज़्यादा, आगे काफ़ी ज़्यादा कटिंग वगैरह का काम है, तो ऊपर वाले रोड बहुत ज़्यादा काम बाकी है। तो फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, उसी रोड पर चलते हैं हम, ब्लैक टॉपिंग का काम भी देखेंगे, और ये ऊपर वाला रोड देख सकते हैं जिसकी बात कर रहा था। तो वैसे अगर आप हमारे डेली ब्लॉग्स देखते हैं यूट्यूब पे देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक को देख रहे हो तो फेसबुक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फॉलो कर दे। और अगर आप वीडियोस देखते रहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट आपको कौन सी जगह की चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे वहाँ पर जाने की और अच्छे से डिटेल वीडियो बनाने की। तो ये देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर वाला रोड
जाता है एक ऊपर वाली रोड के लिए साइड जाती है, और ये ऊपर वाले रोड में देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये मिट्टी वगैरह रखी गई है। इस पर भी कितनी ज़्यादा भी थोड़ी सी कटिंग करके साफ़ करना पड़ेगा यार। यहाँ पे ऊपर वाले रोड में गार्डर्स भी बिछे हुए हैं, लिट रखे हुए हैं, जो कि अभी लिफ्ट कर देंगे कुछ दिन बाद। और ये देख सकते हैं यही है ऊपर वाला रोड जहाँ पे भी ब्लैक टॉपिंग वगैरह का काम चल रहा है। तो ये कुछ मीटर, मतलब वही कुछ 1 किलोमीटर तक ऊपर वाला रोड तैयार कर देंगे ब्लैक टॉपिंग डाल के। फिर वो क्या होगा, ऊपर वाला नीचे वाला रोड आगे जाके मिल जाएगा, क्योंकि जब तक ऊपर वाला रोड खोलेंगे ना, नीचे वाले रोड के थोड़े खड्डे छड्डे रिपेयर करने के लिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 4 लेन का काम। तो कुछ टाइम पहले तक ऊपर वाला रोड भी खुला था, बट फिर ऊपर वाला बंद कर दिया, नीचे वाला खोले। अब देखते हैं जब ऊपर वाले ब्लैक टॉपिंग हो जाएगी फिर क्या करते हैं। हो सकता है दोनों ही ऊपर रखे, तो पहले तो यही करेंगे ना, ऊपर वाला जब ओपन करेंगे तो नीचे वाले में फिर से ब्लैक टॉपिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे से ब्लैक टॉपिंग का काम हो रहा है। अब जो पूरा अभी रामबन है, बाकी रामबन के आसपास वाले एरिया है, तो एक बार ब्लैक टॉपिंग का काम हमको देखने को ज़रूर मिल जाएगा पूरे एरिया में, क्योंकि यात्रा शुरू होने वाली है। और यात्रा से हर साल जब भी यात्रा शुरू होने वाली होती है, अमरनाथ यात्रा, तो हर साल पहले क्या होता है, ब्लैक टॉपिंग करते ही करते हैं। तो जो कि अच्छी बात है, अभी ब्लैक टॉपिंग सब जगह पे इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर अभी करेंगे ना, जब तक यात्रा शुरू होगी तब तक ये रोड की वैसी ही हालत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। तो वही वही ताज़ी ताज़ा करेंगे कुछ दिन पहले तक, ताकि कंप्लीट हो जाए यात्रा शुरू होने से पहले, ताकि यात्रा अच्छे से चल पड़े, यात्रा का ट्रैफिक अच्छे से चल पड़े। आज वैसे भी आजकल यात्रा सिक्योरिटी को लेके, मतलब कॉन्वॉय में निकलती है जब बाकी ट्रैफिक रोक देते हैं, तो उस वजह से लोकल बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा फर्क भी पड़ता है। बट ये देख सकते हैं ये जो ब्लैक टॉपिंग का काम लगा हुआ है, यहाँ पे रोलर वगैरह, लुक बिछाने वाली मशीन वगैरह देख सकते हैं। तो इस गर्मी में भी इतने वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो इन सबको सल्यूट है। तो ये देख सकते हैं रोड, तो मैक्सिमम रोड जो रामन वाली साइड है, ऐसे रोड के साथ में आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, स्पेशली मिहाड़ वाली साइड भी आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे। तो इनसे ना छोटे छोटे पत्थर गिरते ही रहते हैं, गिरते रहते हैं। अगर आपका 4 लेन रेडी भी हो जाएगा ना, फिर भी इनसे क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर गिर के रोड के बीच में आ जाते हैं। और अगर आपकी गाड़ी बाइक वगैरह कभी स्पीड में, 4 लेन तो ऑब्वियसली बात है ना, तो थोड़ा तो बंदा स्पीड में चलते ही है, तो जब वो पत्थर गिरेंगे तो गिरने का, एक्सीडेंट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ब्लैक टॉपिंग हो रही है, ये देख सकते हैं, और साथ में जो मैं छोटे छोटे पत्थर, मतलब वो ऊपर से गिरते हैं, वो भी आप देख सकते हैं रोड में आ जाते हैं। तो लगभग 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिस पे ब्लैक टॉपिंग का काम हो रहा है। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो मैं बता रहा था कि गार्डर्स रेडी करके रखे गए हैं, काफ़ी टाइम पहले से वहाँ पे पड़े हुए हैं रेडी गार्डर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्म हवा फील हो रही है, क्योंकि नीचे ब्लैक टॉपिंग करी गई है ताज़ा ताज़ा। अभी इसके ऊपर रोलर चलना है, बाकी अभी काफ़ी काम बाकी है इस पर। तो बाकी सभी वेट कर रहे हैं कि रामन फ्लाईओवर जल्दी से तैयार हो जाए, जल्दी से ओपन हो जाए, बट अभी कुछ मंथ्स लगने ही वाले हैं उसको। मतलब जितना भी, जितना दिन रात भी काम लग चला हुआ है उसमें कोई शक नहीं है, बट टाइम तो लगेगा। बाकी ये रोड देख सकते हो आप, नीचे वाले रोड पे कितनी ज़्यादा डस्ट है, और ये जो ऊपर वाला रोड है ना, आगे जाके नीचे वाले रोड से मिला देंगे, क्योंकि आगे जाके ऊपर वाले रोड में भी कटिंग होना बाकी है। जो वो फाउंडेशन पिलर्स रखे हैं उन पर स्लैब पड़ना, मतलब गार्डर्स पड़ना बाकी है, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा काम बाकी है। अभी ये देख सकते हैं ऊपर वाले रोड पे ब्लैक टॉपिंग, और सामने आपको पीछे, ठीक पीछे रामबन का फ्लाईओवर, रामबन ब्रिज भी दिख रहा होगा, रामबन की मेन मार्केट भी दिख रही होगी। तो यहाँ देख सकते हैं रोड रोलर चल रहा है। तो चलते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे अभी अभी ब्लैक टॉपिंग हो रही है, फिर से मैं आपको दिखाऊंगा फ्लाईओवर वाला एरिया, और यहाँ से पीछे अभी अभी कटिंग, ये जो अभी अभी हुई है इसी ब्लैक टॉपिंग के साथ साथ में कटिंग का काम भी चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये ऊपर वाले रोड पे ब्लैक टॉपिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब यात्रा वगैरह चलती है ना, तो कभी कभी लोकल ट्रैफिक को रोक देते हैं। तो इस वजह से ये क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले रोड पे लोकल ट्रैफिक और ट्रक्स वगैरह को रोकने के लिए, मतलब ले बाइक ले बाईपास के लिए जगह वहाँ पे थोड़ी देर रोक सकते हैं, फिर ताकि यात्रा अच्छे से चल पाए स्मूथली। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आने के लिए वाला है रामबन का ब्रिज, रामबन का फ्लाईओवर,
ये देख सकते हैं, जिसकी वीडियोस में डालते रहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले भी डाली थी। तो ये देख सकते हैं रामन ब्रिज, रामन फ्लाई, और यहाँ से आगे रामन मार्केट शुरू होती है।